हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 का नेट या JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां पर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। और नेट एग्ज़ाम के अलावा आप यहाँ से सोशियोलॉजी के लिए अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं PGT का, सेट का, या हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सोशियोलॉजी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के अलावा आपको फर्स्ट पेपर से भी काफ़ी यहाँ पर मदद मिल सकती है। और इन सब से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं वे सभी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले वाले वीडियोस देखने के बाद ही जो डेली इधर 2020 के लिए वीडियोस आ रहे हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। लेकिन पहले वाले ज़रूर वीडियोस देखिएगा। पहले जिन टॉपिक्स को कवर कराया जा चुका है उन्हें इधर कवर नहीं कराया जा रहा है, जिन टॉपिक्स को कवर नहीं कराया गया था पहले। और जिस तरीके का एग्ज़ाम हुआ है पिछला नेट का, सोशियोलॉजी का, जिस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हुए इधर 2020 के लिए वीडियोस आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th, 9th, 8th और 6th, 5th, 4th यूनिट कवर हो चुकी है। 7th यूनिट पहले कवर करा दी गई थी 2019 में, इसलिए उसे कवर नहीं कराया जा रहा है। अभी हम लोग 3rd यूनिट कवर कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन ए है वह अपेक्षित व्यवहार जिसमें राज्य का निहित निहित होता है, ऑप्शन बी वह अपेक्षित व्यवहार जिसमें समाज का हित निहित होता है, या फिर ऑप्शन सी वह अपेक्षित व्यवहार जिसमें परिवार का नित होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह अपेक्षित व्यवहार जिसमें समाज का हित निहित होता है। फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लार्क विस्लर ने कहाँ के लोगों पर संस्कृतियों का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए है अमेरिकन इंडियंस, यूरोपियन, या फिर अंडमान। तो यहाँ पर आपका सेकंड का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिकन इंडियंस पर वहाँ की संस्कृतियों का अध्ययन इन्होंने क्लार्क विस्लर ने किया था। अगर हम क्लार्क विस्लर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर बात की थी, सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक समानांतर और सांस्कृतिक निर्धारणवाद कॉन्सेप्ट ये दिए हुए थे। किसने दिए हुए थे, क्लार्क विस्लर ने। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना का उल्लेख सोशल चेंज नामक पुस्तक में किसने किया। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो सांस्कृतिक जो विलंबना है ये कॉन्सेप्ट ऑकबर्न ने दिया था। किस बुक में बात की है सांस्कृतिक विलंबना कॉन्सेप्ट की, सिद्धांत की, तो सोशल चेंज है। तो यहाँ पर आपका थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो तरह की संस्कृतियों की बात की थी, आप सभी जानते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है जब परिस्थितियाँ जोड़े में होती हैं तो उसे कहा जाता है भूमिका संघर्ष, भूमिका निर्वहन, या फिर ध्रुवीय परिस्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवीय प्रस्तुति हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह किस भावना से आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, जो समुदाय होता है निश्चित भूभाग में रहने वाले वो जो सभी व्यक्ति हैं इनमें वे किस भावना के साथ जुड़े हुए होते हैं, हम की भावना, सांस्कृतिक भावना, या फिर राजनीतिक भावना। तो आप सभी जानते हैं हम की भावना, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, सामुदायिक जो भावना होती है वहाँ पर इसमें तीन तरह की भावनाएँ पाई जाती है। ठीक है, दायित्व की भावना होती है इसके अंदर, ठीक है, निर्भरता की भावना होती है, और क्या होती है, हम की भावना होती है। ठीक है, जो सामुदायिक भावना है इसमें अगर हम तीन तरीके की भूमिकाओं को देखते हैं, ठीक है, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना और हम की भावना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है डॉक्टर SC दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार बताए, कितने आधारों पर गांव का वर्गीकरण किया है, 4, 5 या फिर 6। तो यहाँ पर आपका सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 आधारों पर बात की है। ठीक है, गाँव का वर्गीकरण किया। अब ये जो अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, तो पहले आकार के आधार पर, दूसरा जनसंख्या व भूक्षेत्र के आधार पर, तीसरा प्रजातीय तत्व व जातियों के आधार पर, चौथा भू स्वामित्व के आधार पर, पांचवा अधिकार एवं सत्ता के आधार पर, छठा दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला आकार के आधार पर, दूसरा जनसंख्या व भूक्षेत्र के आधार पर, तीसरा प्रजातीय तत्व व जातियों के आधार पर, चौथा भू स्वामित्व के आधार पर, पांचवा अधिकार एवं सत्ता के आधार पर, छठा दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर। ठीक है, तो ये आधार पर किसने बात की है, गांव का जो वर्गीकरण किया, छह आधारों पर किया था, किसने, डॉक्टर एस सी दुबे ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर समुदाय से याद आए एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है डेविस की, जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है, वो देख लीजिए। समुदाय को इन्होंने छोटा सा छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह बताया जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू निहित होते हैं, या सभी पहलुओं का उनमें समावेश होता है। ठीक है, क्या इनको एक पॉइंट है, याद रखिएगा, समुदाय को इन्होंने छोटा क्षेत्रीय समूह बोला है। ठीक है, क्षेत्रीय समूह कहीं आ जाए, छोटा क्षेत्रीय समूह समुदाय को बताया, तो कौन आ जाएगा आंसर, डेविस हो जाएगा। ठीक है, समुदाय छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। ठीक है, तो ये किसने डिफिनेशन दी है, डेविस की है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स्थ का आपको बताया जा चुका है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घेटो या घेटो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है। ऑप्शन ए है पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियां, बी है यह नगर का एक परित्यक्त खंड है, सी है यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजातीय समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। तो यहाँ पर आपका जो सेवेंथ है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सह संबंध सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है, बी मेलनोवस की, आर निधम, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, या फिर सी लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मेगा पोलिस क्या है। ऑप्शन ए है नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइमेट नगर, एक करोड़ की जनसंख्या वाला नगर, दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ वृहद नगरीकृत क्षेत्र। तो यहाँ पर एक मेगालोपोलिस क्या हो जाएगा, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि पहले जो अभी वीडियो आई थी उसमें बताया गया था कि जो लेविस मम्फोर्ड हैं उन्होंने नगरों के कार्यों के आधार पर अध्ययन वहाँ पर किया था नगरों का। ठीक है, और उसके आधार पर नगर के विकास की छह अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, छह अवस्थाएं क्या क्या हैं ये सभी बताई गई थी, उसमें से था एक मेगालोपोलिस था। ठीक है, ये मेगालोपोलिस क्या होती है, या महानगरीय अवस्था है, नगर की एक महानगरीय अवस्था है मेगालोपोलिस। और इसमें क्या होता है, जो नगर होता है वह विकास की अपनी चरम अवस्था पर पहुँच जाता है जिसमें कुप्रबंधन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मेगालोपोलिस है वो किसने बताई थी, लेविस मम्फोर्ड ने बताया था। ये नगरों उन्होंने अध्ययन किया था, नगर के कार्यों के आधार पर अध्ययन करके नगर के विकास की छह अवस्थाएं बताई थी, उसमें से एक मेगालोपोलिस भी था। जो छह अवस्थाएं थी ये आपको पहले बताया जा चुका है कौन कौन सी थी। ठीक है, तो उसमें से एक मेगालोपोलिस भी थी। मेगालोपोलिस क्या है, महानगरीय अवस्था है जिसमें नगर विकास क्या होता है, नगर का जो विकास होता है वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका होता है, जिसमें हमें जो है कुप्रबंधन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करें नाइन्थ का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही है। तो फर्स्ट है, भूमिका अधिग्रहण से संबंधित विचार मीट से संबंधित है, मर्टन का संबंध भूमिका संकुल के विचार से है, थर्ड है आंत्रेबेत्ते ने भारतीय गांव का अध्ययन वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल पर किया है। तो यहाँ पर आपका टेंथ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, कि किसने भारतीय गांव का अध्ययन वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर किया, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कौन थे, आंत्रेबेत्ते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर टेंथ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकेवर द्वारा प्रयोग की गई हैं, समान धर्म, हम की भावना, समान भाषा, या फिर समान क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हम की भावना और समान क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि जो इलेवेंथ है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा,
एक डिफिनेशन था कि इन्होंने समिति को एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन माना है, तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत क्या है, एक संगठन है। तो किसने ये कहा है, मैकेवेलियन पेज ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, तो आप लोग ट्वेल्थ का देख लीजिए, सी है, यानी कि भूमिका पुंज की अगर हम बात करें तो मर्टन हो जाएगा, सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट दुर्खीम का है, सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो पार्सन, शक्ति एवं सत्ता का जो कॉन्सेप्ट दिया था वेबर ने दिया था, तो यहाँ पर आपका ट्वेल्थ का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः प्रस्थिति और संविदा की अवधारणा का उपयोग किया है, लिंटन, हेनरी मेन या फिर नाडेल, तो यहाँ पर आपका जो 13 है उसका राइट आंसर हेनरी मेन हो जाएगा, ठीक है। प्रस्थिति और संविदा की अवधारणा का यूज इन्होंने आधुनिक समाज को समझने के लिए किया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के तंत्र के रूप में प्रतिपादित किसने किया है, पार्सन्स, नाडेल या फिर मर्टन, तो यहाँ पर आपका 14th का क्या हो जाएगा, राइट आंसर मर्टन हो जाएगा, 14th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, मर्टन के कॉन्सेप्ट कई एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें देखा होगा, मर्टन हो गया, दुर्खीम हो गया, पार्सन्स हो गया, इनके जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेबर हो गया, मार्क्स हो गया, मार्क्स का तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है हर पेपर में एग्जाम में, ठीक है। तो नाडेल, अगर हम मर्टन की बात करें तो इन्होंने स्टेटस सेट, यानी अगर हम बात करें प्रस्तुति सकुल का कॉन्सेप्ट दिया था, रोल सेट है ना, भूमिका सकुल, मल्टीपल रोल, बहुल भूमिका, रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर हम बात करें भूमिका संघर्ष की, तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसने दिए हुए हैं, मर्टन ने दिए हुए हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और रोल और स्टेटस वाला जो एक वीडियो है आपको मिल जाएगी, उसमें अच्छे से काफ़ी बताया गया है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, डिटेलिंग में एक सेंटेंस दे दिया होगा, पूछा जाएगा कि क्या है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें रोल और स्टेटस से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव में ग्रहण करे तो वह क्या कहलाती है, तो ये वहाँ पर क्या हो जाएगा, पर संस्कृति हो जाएगा, यानी कि यहाँ का आपका 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना के, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं के वाक्यांश का प्रयोग किसने किया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, SF नाडेल, मर्टन या फिर ब्राउन, तो यहाँ पर राइट आंसर ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अस्तित्व की आवश्यक दशाओं, इस तरीके का थोड़ा सा बस इतना ही सा टॉपिक दे देते हैं और मैचिंग में भी कई बार पूछते हैं, तो ये किसने बात की है, ब्राउन ने बात की है, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बात की है। अगर हम इनके फील्ड वर्क की बात करें, ठीक है, तो अंडमान आइसलैंड पर इन्होंने फील्ड वर्क किया था, परिहार और परिहास संबंधों की बात की थी, ठीक है, परिहार और परिहास संबंधों की भी बात इन्होंने, रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। संस्कृति का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया था, या हम संरचनात्मक प्रकारवाद की बात करें तो इन्होंने की है, प्रकारात्मक एकता की बात की है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता सकता है संरचनात्मक प्रकारवाद से कौन संबंधित है, मैचिंग वाले में आता है, ठीक है, प्रकारात्मक एकता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मैचिंग में, तो ये किसने बात की है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बात की है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है अ साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है, मेलानोवस की, ब्राउन या फिर क्रोबर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किसकी है बुक, मेलानोवस की है, यानी कि 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने धर्म और जादू की भी बात की है, ठीक है, और इन्होंने धर्म और जादू को क्या बताया था, ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है, साधन है, धर्म और जादू मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, और धर्म की जो परिभाषा दी थी वो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, धर्म को इन्होंने क्रिया का एक तरीका बताया था, विश्वास की एक व्यवस्था बताया, और ये समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ क्या है, व्यक्तिगत अनुभव भी है, धर्म क्रिया का एक तरीका है, विश्वासों की एक व्यवस्था है, समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ यह क्या है, व्यक्तिगत अनुभव भी है। जादू की बात की, दो टाइप बताए थे, दो प्रकार बताए थे जादू को, काला और सफ़ेद जादू, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है, ठीक है, सिमेल, लोए या फिर स्टोर, तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोए, ठीक है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, तो आप इसे देख लीजिए,
पहले देख लीजिए, अगर हम बात करें ऑप्शंस की, देख लीजिए पहले 19th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात करें स्वजाति की, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक समूह की वह प्रवृत्ति कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं, ठीक है, तो ये स्वजाति हो गया। पश्चिमीकरण की बात करें तो पश्चिमी संपर्क के माध्यम से हमारे समाज में आए परिवर्तनों को यह स्पष्ट करता है। संस्कृतिकरण की बात करें तो इसमें निम्न जाति के व्यक्ति सामूहिक रूप से उच्च जाति प्रथाओं और आस्थाओं को उच्चतर स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। प्रभु जाति की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हो, ये संख्या में क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रभु जाति का श्रीनिवास का था। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की बात किसने की थी, एम एन श्रीनिवास जी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 19th का अगर हम बात करें, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, यानी ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और बी यानी कि जो पश्चिमीकरण है उसका सी है, और संस्कृतिकरण का फर्स्ट हो जाएगा, और प्रभु जाति का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं, सिलेविस्ट्रॉस, मर्डॉक या फिर नाडेल। तो यहाँ पर राइट आंसर सिलेविस्ट्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक प्रस्तुति होती है और इनमें से प्रत्येक प्रस्तुति से एक भूमिका जुड़ी होती है, किसने कहा है, मर्टन, लिंटन या फिर न्यूकॉम ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंटन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, जो लिंटन है इन्होंने ही सबसे पहले जो अगर हम बात करें प्रस्तुति किया, तो इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया था 1963 में। कब किया था, 1963 में, किसने, लिंटन ने सबसे पहले समाजशास्त्रीय विश्लेषण या समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था प्रस्तुति के ऊपर। और इन्होंने क्या बताया था, प्रस्तुति जो है क्या है, व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति है, ठीक है। प्रस्तुति व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में क्या है, एक स्थिति है। दो तरीके की प्रस्तुति की बात की थी, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति, ठीक है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैचिंग वाला है, तो समझना यानी वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट किसका है, वेबर का है, ठीक है। सोशल फैक्ट आप जानते हैं दुर्कीम का है। तीन चरणों के नियम की बात की थी कॉम्प्ट ने, अगस्त कॉम ने, और समाज का प्राकृतिक विज्ञान रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आकार की, यानी कि 23 की अगर हम बात करें सामाजिक आकार की, तो ये आपका किसका हो जाएगा, ब्राउन का हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। परस्परता की बात करें तो मार्शल मॉर्स हो जाएंगे, गठबंधन लेविस्ट्रॉस हो जाएगा। संरचनात्मक भाषावाद की बात करें, यहाँ पर सोसरे हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें 22 के राइट 23 क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ऑप्शन सी है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है, विशिष्ट स्थान, ऐतिहासिक विरासत, कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे घन। तो समुदाय की विशेषता नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरे की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, निर्जाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक केंद्रवाद या फिर पर संस्कृति ग्रहण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्जाति केंद्रवाद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो रोल स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी, निर्जाति केंद्र वाला है उसमें भी अच्छे से बताया गया है, और पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें भी अच्छे से काफ़ी बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा पहले वाले को। अगर हम बात करें निर्जाति केंद्रवाद की, तो क्या होता है इसमें, क्या बात करते, क्या है इसकी मीनिंग अगर बात करें, तो क्या होता है इसमें, अगर हम सबसे पहले बात करें ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो डब्ल्यू जी सम्नर ने दिया था। किस बुक में, फोकवेज बुक है उनकी, डब्ल्यू जी सम्नर ने उसमें बात की थी निर्जाति केंद्रवाद की। इसमें क्या होता है, हमारी संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, दूसरे से कंपेयर भी करेंगे तो हमारी ही संस्कृति कल्चर क्या है, बेस्ट है। पर जाति केंद्रवाद की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरी संस्कृति है वह हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ है, ठीक है, दूसरी संस्कृति को क्या मानते हैं, अपने से बेस्ट मानते हैं। अगर हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करें तो इसमें सभी जो कल्चर्स हैं, सभी संस्कृतियाँ हैं, वो अपने अपने स्थान पर क्या है, बेस्ट है,
ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या मीनिंग गलती है, क्या ये बोलता है कि जो सभी संस्कृतियाँ कल्चर हैं ये सभी अपने अपनी जगह पर क्या है, श्रेष्ठ है, बेस्ट है। पर जाति केंद्रवाद क्या है, दूसरा जो कल्चर है वो हमसे बेस्ट है, दूसरे को बेस्ट मानता है। और जो अगर हम बात करें जाति केंद्रवाद को, तो जो हमारा कल्चर है वही बेस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, समनर ने, किस बुक में, फोकवेस बुक है उसमें दिया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, कम्युनिटी पर डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जिन्हें आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, तो प्लीज़ ट्राई करा करिए, आंसर ज़रूर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।